व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज सात्विक एंड यू आर वाचिंग व्हील्स ऑफ लाइफ। तो गाइस, जैसा कि मैंने अपने इंस्टा हैंडल्स और उस सब पे ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि मैं ये वाली वीडियो जो है वो क्यू एंड ए वीडियो बनाने वाला हूँ। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको गिव अवे की डिटेल्स देता हूँ। गाइस, गिव अवे में ऐसा होगा कि मेरे को जो क्वेश्चन यूनिक लगेंगे मैं एक वहाँ पे गिव अवे करूँगा। गिव अवे होगा अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड का। 3 विनर्स चूज करूंगा। फर्स्ट विनर को मिलेगा अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड 300 रुपीज का। सेकेंड विनर को मिलेगा अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड 200 रुपीज का। और थर्ड विनर को मिलेगा अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड 100 रुपीज का। तो भाई, जैसे कि आपको गिव अवे की सारी डिटेल्स पता चल गई हैं, तो भाई चलते हैं हम अपनी वीडियो में और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। थैंक यू। शुरू करते हैं अपनी क्यू एंड ए वीडियो को। पहला क्वेश्चन है धनुष का, व्हाट्स इट्स लाइक फॉर अ ट्रेवलर लाइक यू स्टक एट होम ड्यू टू लॉकडाउन एंड आल्सो वेयर आर यू प्लानिंग टू ट्रेवल आफ्टर दिस होल क्वारंटाइन सिचुएशन। धनुष, मैं आपको बताऊं कि इस टाइम मेरी हालत ऐसी हो रखी है जैसे जू में एनिमल्स को कैद कर लेते हैं, उनको एक स्पेसिफिक एरिया दे दिया जाता है कि तुम बस इतने ही एरिया में रह सकते हो और यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। वही हिसाब मेरा हो रखा है। और दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर ये है कि मैं ट्रेवल करूंगा जनशताब्दी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस में। मैं 18 अप्रैल को ट्रेवल करने वाला था, लेकिन अब लॉकडाउन और कोरोना की वजह से मेरा ट्रैवल बहुत आगे शिफ्ट हो जाएगा जब तक ये सिचुएशन खत्म नहीं हो जाती। मैं दोनों ट्रेन्स की वो बताऊंगा आपको कि वो ट्रेन कैसी है ट्रैवल के लिए और शताब्दी कैसी है। शताब्दी की मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ अपने चैनल पे। अब 3 वीडियोस ऑलरेडी हैं शताब्दी की। अब मैं दिखाऊंगा जनशताब्दी की। जनशताब्दी में मैं ट्रैवल करूंगा सेकंड सीटिंग में, और शताब्दी में ऑब्वियसली चेयर कार में ही करूंगा क्योंकि उसमें सेटिंग सीट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है अक्षत शर्मा का कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हो। भाई, मैं यूज़ करता हूँ विंडोज़ मूवी मेकर, और कभी कभार अगर फोटोज़ वगैरह यूज़ एडिट करनी हो तो मैं यूज़ करता हूँ पिकासा। थर्ड क्वेश्चन है आनिश का, व्हाट मोटिवेटेड यू टू ओपन दिस चैनल। भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि आप आनिश जो हैं उनका चैनल को सब्सक्राइब करें। आनिश AAD व्लॉग्स करके उनका चैनल है, मैं लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर लिंक टैब में भी आपको बता दूंगा। जो आनिश है वो भी मेरी तरह ब्लॉगिंग करते हैं। एंड गाइस, प्लीज़ आप एक बार जाके उनका चैनल को चेकआउट करिए। न्यू चैनल है, वीडियोस काफ़ी अच्छी बना रखी उन्होंने, मैंने खुद उनका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। तो फटाफट से जाइए और उनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, अब मैं बात करता हूँ उनके क्वेश्चन की, व्हाट मोटिवेटेड यू टू ओपन दिस चैनल। भाई, मेरे को ट्रेन बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जो ट्रैवल करता हूँ उसको एक तरीके से मेमोरीज बना के रखूँ अपने साथ, कि जब मैं चाहूँ तो मैं उसको देख सकूँ। तो मैंने बहुत सारी ऐसी 2-3 बार ट्रैवल किया है, मैंने वीडियोस भी बनाई अपने सारे ट्रैवल की, बट मैंने यूट्यूब पे पब्लिश नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जो मैं ट्रैवल करता हूँ उसमें इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ तो लोगों तक भी पहुँचे, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया। और अपनी जितनी भी ट्रैवलिंग ब्लॉग की वीडियो है उन सबको यूट्यूब पे धीरे धीरे करके पब्लिश करने लग पड़ा। जो पहले की वीडियोस थी वो इधर उधर हो गई तो मैं उसको एडिट करके पब्लिश नहीं कर पाया, बट मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाली थी अपनी अनुभूति क्लास की, वो मेरा पहला ब्लॉग था। वो मैंने जिस दिन ब्लॉग डाला उसके 2 दिन पहले ही ट्रैवल किया था, तो वो मेरी पहली वीडियो थी और मेरे को बस इन्हीं चीज़ों ने इंस्पायर किया। टॉपिक ऑफ योर नेक्स्ट ब्लॉग, देखो आज का टॉपिक जो होगा मेरा नेक्स्ट ब्लॉग का वही होगा जैसा मैंने बताया, जनशताब्दी और शताब्दी एक्सप्रेस का ट्रैवल दिल्ली टू चंडीगढ़ तक। एडिटिंग सॉफ्टवेयर मेगाश्री का क्वेश्चन है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर मेगाश्री वही है मेरा जो मैंने आपको बताया, विंडोज मूवी मेकर और पिकासा। अंशु सिंह का क्वेश्चन, व्हेन यू आर गोइंग टू मैरी। अंशु, इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है कि मेरी शादी कब होगी। बत्सल का क्वेश्चन है, इंस्पिरेशन किससे ली तूने। भाई, इंस्पिरेशन किससे ली, मैं अगर सही बताऊं तो मैं कुछ टाइम पहले 200 जर्नीज जो चैनल है कि यूट्यूब पर, उसको मैं बहुत ज़्यादा देखता था। तो वो ट्रेन की ब्लॉगिंग वगैरह करता था, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। तो मैंने भी सोचा यार मैं भी जो ट्रैवल करता हूँ उसको मेमोरीज बनाऊं, तो फिर मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी। असद का भी सेम क्वेश्चन है कि आपने सॉफ्टवेयर एडिटर कौन सा यूज़ करते हैं आप सॉफ्टवेयर। असद, मैं आपको बताऊं, मैं वही सेम जो सबको मैंने ऑलरेडी बता दिया अपनी वीडियो में, मैं यूज़ करता हूँ विंडोज़ मूवी मेकर और पिकासा। ललित सागर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फियर व्हेन यू व्लॉग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ललित का। देखिए ललित, मैं सही बताऊं आपको तो मेरे को बस इस बात का डर रहता है, मेरे को एक तरीके से घबराहट सी रहती है कि जब मैं व्लॉगिंग करूंगा इतने सारे लोगों के बीच में तो यार लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि कोई और बंदा व्लॉग कर रहा होता है तो लोग उस पर हंसते हैं। लेकिन गाइस, मैं सच बताऊं, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी तो मैं 16 साल का था बस, तो मैंने जब फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग करी तो इवन TT जो ट्रेन का था उसने मुझे अप्रिशिएट किया कि तुम इतनी छोटी उम्र में इतने सारे लोगों के सामने बोल रहे हो, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो उसने मुझे अप्रिशिएट किया। और गाइस, ज़्यादातर व्लॉगर्स के मन में फियर इसी बात का होता है कि यार लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। देखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है खामखा, लोग तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बोलते हैं जो भी बोलते हैं। और गाइस, जो बंदा सही बात कर रहा है उसकी बात सुनो, जो बंदा गलत बोल रहा है उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है विष्णु का, व्हेन वुड यू ट्रेवल इन वंदे भारत एंड तेजस।
विष्णु, मैं आपको बताऊं, वंदे भारत के साथ मेरे साथ ऐसा सीन हुआ था कि मैं ट्रेवल करने वाला था वंदे भारत में। जिस दिन इस ट्रेन की बुकिंग ओपन हुई थी सेकंड वंदे भारत की, जैसे न्यू दिल्ली टू कटरा की, तो मैंने उसमें अपनी बुकिंग कर दी थी लुधियाना से यहाँ पे वापस आने की दिल्ली की। बट पता नहीं किसी रीजंस की वजह से मेरी बुकिंग कंफर्म नहीं हो पाई थी, और तीन चार बार मैंने पेमेंट भी कर दी, तीनों चारों बार मेरे पैसे जो वापस मेरे अकाउंट में रिफंड हो गए और मैं उस ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर पाया। मेरा बहुत ज़्यादा मन था यार, मैं बहुत डिसअपॉइंट भी हुआ उस टाइम कि मैंने IRCTC को इवन मेल्स वगैरह करी कि मेरी बुकिंग कन्फर्म नहीं हो पा रही, बट उनकी तरफ से कोई स्पेसिफिक रिप्लाई नहीं था। उनका बस ये रिप्लाई था कि शायद नेटवर्क प्रॉब्लम में या फिर किसी और चीज़ में कोई प्रॉब्लम होगी, इस चक्कर में बुकिंग कन्फर्म नहीं हो पाई। अब मैं आपको बताता हूँ तेजस एक्सप्रेस का, मैं गाइस जैसे तो आपको पता है कि मैं रहता हूँ गाजियाबाद में, तो मेरा लखनऊ साइड में कोई ज़्यादा चक्कर लगता नहीं यूपी साइड का। मेरे ज़्यादा ट्रेवल्स होते हैं वो होते हैं लुधियाना, चंडीगढ़, हिमाचल, क्योंकि मेरे वहाँ रिलेटिव्स वगैरह और मेरे घर हैं वहाँ पे। तो रही बात तेजस की, मेरा बहुत मन है, प्राइवेट ट्रेन है हमारे इंडिया की, IRCTC ने लॉन्च कर रखी है, मैं ज़रूर एक ना एक ट्रैवल ज़रूर करूंगा तेजस एक्सप्रेस में। मैं एक दिन के लिए ज़रूर ट्रैवल करूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ से लखनऊ तक जाऊंगा, वहाँ पे स्टे करके वापस भी तेजस में ही आऊंगा, जिससे आप लोग मेरी तेजस की वीडियो भी देख सकें। दूसरा क्वेश्चन है रागिनी का, बिगेस्ट फियर वाइल्ड ब्लॉगिंग। जैसे कि रागिनी, मैंने ललित का आंसर दिया था, कोई ऐसा स्पेसिफिक डर नहीं है किसी भी चीज़ का, बट यही है कि लोग तुम्हें देख के हंसते हैं, बट हमें इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, हमें अपनी ब्लॉगिंग को अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अगर कंटेंट अच्छा होगा तो लोग भी तुम लोगों को अप्रिशिएट करेंगे। संकल्प का क्वेश्चन है फूड व्लॉग देखा मैंने आपका, काफ़ी अच्छा था, ओल्ड दिल्ली को डिस्कवर करने का कब सोचा है? संकल्प, मैंने ओल्ड दिल्ली को डिस्कवर करने का सोचा हुआ है, मेरे को पता है ओल्ड दिल्ली में काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं जिसको मैं डिस्कवर करूंगा, तो मेरे को मेरा फूड व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो जैसे ही क्वारंटाइन और कोरोना की सिचुएशन ख़त्म होती है, मैं ज़रूर ओल्ड दिल्ली को डिस्कवर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री का, डोंट यू थिंक एज अ व्लॉगर आपको आपकी जर्नीज को इंजॉय करना चाहिए, ना कि आपको बार बार शूट करते रहना चाहिए? जैसे कि आप जब भी ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो आप शूट ही करते होंगे, तो आप अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाते। गायत्री, मैं आपको बता दूं कि ये सब करके मुझे बहुत इंजॉयमेंट मिलती है ट्रेन में, एंड ये जो मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ, जब मैं इनको एक तरीके से कंबाइन करता हूँ तो मेरी जो है ये एक तरीके से मेमोरी बन जाती है। अगर मैं नॉर्मल कोई वीडियो वीडियो शूट नहीं करूंगा और नॉर्मल उस ट्रेन में ट्रेवल करूंगा, तो वो मेरे लिए बस एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ मैंने उसमें ट्रेवल किया था, बस, और कुछ चीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर मेरे पास वीडियो होगी, एक मेमोरी होगी कि हाँ मैं उसमें ट्रेवल किया था, तो मैं बार बार उस चीज़ को देख सकता हूँ और मैं इंजॉय कर सकता हूँ। तो यही मेरे कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे को पूछे गए थे। एंड गाइस, अब मैं आपको बता दूं, मेरे को कुछ वीडियो क्वेश्चंस भी आ रखे हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको वीडियो क्वेश्चंस दिखाता हूं क्या क्या वीडियो क्वेश्चंस आ रखे हैं, काफ़ी अच्छे वीडियो क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो उन वीडियो को पहले मैं प्ले करके फिर उनके आंसर एक एक करके देता हूँ। तो गाइस, चलिए अब आगे चलते हैं वीडियो में। तो हाय सार्थक, एंड वेरी कॉन्ग्रेट्स फॉर योर चैनल व्हील्स ऑफ लाइफ। बहुत ग्रो हो चुका है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत सारी हमें बहुत अच्छा कंटेंट देता है तू। तो मेरा क्वेश्चन ये है तुझसे कि जैसे कि तू शताब्दी से ट्रैवल करता है और तू राजधानी से ट्रैवल करता है, तो ज़्यादा अच्छी सर्विसेज तुझे किसकी लगी, राजधानी की या फिर तुझे शताब्दी की? तो दिस इज़ माई क्वेश्चन फॉर यू। पहले तो थैंक यू सो मच यार आयुष्मान, आपकी इतनी अच्छी विशेष के लिए। मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि दोनों ट्रेन्स में आपको बेटर कौन सी ट्रेन लगी, मैं आपको बताऊं कि सर्विसेज के हिसाब से जो ज़्यादा बेटर जो ट्रेन है वो राजधानी है। मैंने दोनों ट्रेन्स में ट्रेवल कर रखा है। पहली जो ट्रेन थी वो मेरी शताब्दी थी, जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, दैट इज़ न्यू दिल्ली टू लुधियाना, और जो मेरा दूसरा ब्लॉग था शताब्दी का, वो था न्यू दिल्ली टू चंडीगढ़, वो कालका शताब्दी में था, और लुधियाना वाला जो ट्रैवल था वो था मेरा अमृतसर शताब्दी में, और जो राजधानी वाला ट्रैवल था वो मेरा न्यू दिल्ली टू जम्मू का था। मैं आपको बताऊं, शताब्दी की सर्विसेज और राजधानी की सर्विसेज में जमीन आसमान का फर्क है। राजधानी की सर्विस बहुत ज्यादा अच्छी है। मैंने अगर एक तरीके से फूड के और स्टाफ के बारे में बताया जाए, तो राजधानी का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा होता है और फूड काफ़ी टेस्टी था, एकदम फ्रेश फूड होता है। लेकिन जो शताब्दी होता है उसका कभी कभार जो फूड है वो काफ़ी बेकार सा होता है। बाकी रही अदर सर्विसेज की बात, तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने जम्मू वाली राजधानी में ट्रेवल किया था, तो उसमें वो एंटी स्मोक डिटेक्शन वाली चीज़ नहीं थी, बट शताब्दी में वो चीज़ बहुत पहले से है। तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि इंडियन रेलवे काफ़ी ग्रो कर रहे हैं इन चीज़ों को, एंटी स्मोक चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं जिससे को पैसेंजर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो शताब्दी की एक चीज़ ये बहुत अच्छी है और राजधानी के फूड के हिसाब से बहुत अच्छी है, बट माई ओपिनियन राजधानी इज़ मच बेटर देन शताब्दी एक्सप्रेस। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु, एंड सार्थक भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर 1000 सब्सक्राइबर्स।
सार्थक भाई, आपसे एक क्वेश्चन था कि आप ये जो ट्रैवलर्स पे वीडियो बना रहे हो, ये आप नेक्स्ट वीडियो कब लेके आओगे और किस टॉपिक? हाय मानशु, जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होने वाली है, मानशु मैं आपको बताऊं, वैसे जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होने वाली है जनशताब्दी और शताब्दी के बीच का कंपैरिजन। मैंने इसका आंसर ऑलरेडी अपनी वीडियो में दे दिया था, बट फिर भी मैं आपको भी बता देता हूँ। मैं ट्रेवल जो करूँगा वो करूँगा दिल्ली टू चंडीगढ़ जनशताब्दी में, और वापसी में आऊँगा चंडीगढ़ टू दिल्ली शताब्दी में। तो मैं दोनों ट्रेन्स की जो सर्विसेज हैं और जितने भी उस चीज़ का कंटेंट होगा उन सबको मैं कंबाइन करके एक ही वीडियो बनाऊँगा और आप सब तक उस वीडियो को पहुँचाऊँगा कि क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं जनशताब्दी एक्सप्रेस में और शताब्दी एक्सप्रेस। हेलो सार्थक भाई, कैसे हो आप? कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आपके जो यूट्यूब चैनल है उसके लिए। भाई 1K सब्सक्राइबर्स, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो बहुत अच्छे सब्सक्राइबर, आपकी और भी ग्रोथ हो और अच्छा तरक्की करो। अच्छा, आपसे एक मेरा क्वेश्चन है, अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो आप क्या प्रेफर करोगे, फ्लाइट या ट्रेन? हेलो क्षितिज, थैंक यू सो मच यार आपकी इतनी अच्छी विशेष के लिए। यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब रही बात आपके क्वेश्चन की, आपने जो पूछा कि आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या प्रेफर करोगे, ट्रेन प्रेफर करोगे या फिर फ्लाइट, क्षितिज माय ओपिनियन अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं प्रेफर करूँगा ट्रेन, क्योंकि यार मुझे ट्रेन जर्नीज बहुत पसंद है। आप ट्रेन जर्नीज में बहुत सारी चीज़ें इंजॉय करते हुए जा सकते हो, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो चाहे शॉर्ट डिस्टेंस हो। रही बात फ्लाइट की, मैं ये कहता हूँ कि हाँ ट्रेन टाइम कंज्यूमिंग होती है, बट फ्लाइट टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती, वो आपको जल्दी से जल्दी पहुँचा देती, कन्वीनियंट होती है। लेकिन यार मैं सही बताऊँ, फ्लाइट का सफर कोई सफर नहीं है। जितना मजा आपको ट्रेन के सफर में आएगा ना, उतना फ्लाइट के सफर में नहीं आएगा। भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका चैनल बहुत ग्रो कर रहा है और हम चाहते हैं कि आपका चैनल और ग्रो करे। भाई मैंने आपकी होटल वाली वीडियो देखी थी, वो बहुत अच्छी थी, एंड आई वांट आप और वीडियो बनाए। थैंक यू सो मच ऋषि यार आपकी इतनी अच्छी विशेष के लिए। ऋषि, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैंने होटल वाली वीडियो बनाई थी, आपको बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। ऋषि मैं आपको बताऊं कि ये होटल स्टेज की वीडियो मैं ज़्यादा इसलिए नहीं डाल पाता क्योंकि मैं जहाँ पर भी ट्रेवल करता हूँ वहाँ पर मेरा कोई ना कोई रिलेटिव होता है, तो मैं उन्हीं के घर पर स्टे कर लेता हूँ। लेकिन इन फ्यूचर अगर मैं किसी भी जगह पर जाऊँगा जहाँ पर मेरा कोई रिलेटिव ना हो और अगर मैं वहाँ पर जाऊँ, तो मैं आपको होटल स्टेज की वीडियो इन फ्यूचर में काफ़ी अच्छे कंटेंट्स के साथ ज़रूर दिखाऊँ। सो गाइज, ये थी मेरी Q&A वीडियो। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे आपने, लेकिन यार कुछ लोगों के क्वेश्चन मैं अपनी इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया क्योंकि यार वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती, बट उनके जो क्वेश्चंस थे वैसे ही जो क्वेश्चंस हैं सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो मैंने आंसर आप सबको दिए हैं। बाकी अगर आपको कुछ अलग से क्वेश्चंस मेरे से पूछने हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कनेक्ट हो जाइए, वहाँ पे मैं आपको आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिया करूँगा। गाइस अब हम बात करते हैं गिव अवे की। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं 3 विनर्स को चूज़ करूंगा और मैंने अपने तीनों विनर चूज़ कर लिए हैं। जब मैं वीडियो बना रहा था मैंने तभी चूज़ कर लिए थे यार, क्योंकि उनके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे मुझे। जो पहला विनर है वो है ललित सागर यार, उसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा था कि आपका सबसे बड़ा फियर क्या होता है जब आप व्लॉग करते हैं। ललित भाई आपको चूज़ किया मैंने फर्स्ट विनर, आप अपनी डिटेल्स जो है मेरे को इंस्टा पे भेज दीजिए। जो सेकंड विनर है वो है धनुश्री यार, उसका भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था कि वट इज़ लाइक इट फॉर अ ट्रेवलर यू स्टक एट होम ड्यू टू लॉकडाउन। काफ़ी अच्छा मेरे को क्वेश्चन लगा कि यार अगर जो ट्रैवलर्स होते हैं जिनको डेली बेसिस पर ट्रैवल करना होता है, अगर उनको 10-15 दिन तक एक ही जगह पर रहना पड़ जाए तो उनके साथ क्या होगा। और जो तीसरा विनर है वो है अंशु सिंह, क्योंकि उसका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यूनिक था यार इसलिए। सो गाइज आप तीनों जो हैं वो मेरे को अपनी डिटेल्स जो है वो इंस्टा हैंडल पे भेज दीजिए, मैं आपको जैसे गिव अवे का वो होगा मैं आपको बता दूंगा क्या क्या प्रोसेस होगा। ओके गाइज, तो बस यही सब है इस ब्लॉग में, थैंक यू सो मच। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइज जैसी कि मैं आपको पता है कि क्वारंटाइन और कोरोना की सिचुएशन चल रही है, तो मैं कोई ब्लॉगिंग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ कि जैसी ही क्वारंटाइन और कोरोना की सिचुएशन खत्म होती है तो मैं फूड ब्लॉगिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि यार बहुत लोग मुझे कहते हैं कि ट्रैवल ब्लॉग्स तो अक्सर करता ही रहता है और तेको फूड ब्लॉगिंग भी करनी चाहिए। तो अब मैं फूड ब्लॉगिंग करूँगा, लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग करूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइज़।